वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बटर चिकन की रेसिपी। और इस रेसिपी को हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाएंगे, ताकि आप इसे बहुत ज़्यादा आसानी से बना पाएँ और फटाफट से ये रेसिपी तैयार कर पाएँ। तो आइए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को मैंने अभी वॉश किया है। तो देखिए, इसमें आपको हल्का हल्का सा पानी भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैं खाना बनाने से पहले एक बार बर्तन को ज़रूर धोती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके इसमें हमने ऐड किया है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसमें बारीक प्याज को कट नहीं करना है, आप रफली चॉप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने दो तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं और 3 से 4 मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्च ली है और 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2-3 मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे 3-4 हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। और साथ ही साथ में हमने देखिए थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ भी ले ली हैं। तो इसमें जो लहसुन की कलियाँ हैं वो कम से कम 6-7 मैंने इसमें कलियाँ ऐड कर दी है। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा ही जाते हैं, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप बटर चिकन बनाएं तो उसमें टमाटर की जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और प्याज की उसमें थोड़ी सी कम रहेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट किया था रफली, और कम से कम मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे हमने टमाटरों को भी रफली चॉप किया है। और इसी के साथ में हमने चिकन को भी ऐड कर दिया है। तो देखिए, मैं यहाँ पर चिकन को अलग से मतलब फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो बटर चिकन में आप चिकन को अलग से फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, और जो तंदूरी चिकन होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आज बनाने जा रही हूँ बहुत इजी तरीके से बनेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अब ऐड किया है 1 चम्मच भर के चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड किया है, क्योंकि जो चिकन है वो भी हमारा 800 ग्राम है। और अगर आप चिकन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आप चीनी भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्की सी मिठास हमें चाहिए इसमें। तो 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे चीनी ऐड करी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से जो कलर आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फूड कलर है तो आप फूड कलर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 गिलास के करीब पानी। तो देखिए, अभी तक हमने नमक ऐड नहीं करा है इसमें, तो यहाँ पर मैं नमक भी 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसे 8 मिनट तक ढक के पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। और अब 8 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटा देते हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पे चिकन भी गल गया है और मैं आपको काजू भी दिखा देती हूँ। देखिए, काजू भी गल गया है ये। तो इसे ना अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जल्दी से फटाफट से ठंडा होने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसे बर्तन में ही ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्रिज में फटाफट से ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे अब। और फ्रेंड्स, देखिए, अब है ना मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पहले कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। क्योंकि सिर्फ बटर ही हमने इसमें पहले ऐड इसलिए नहीं करा क्योंकि वो जल जाता है, तो बटर को जलने से बचाने के लिए हम इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। और अब बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लहसुन अदरक को हमने अच्छे से भूनना है, कच्चापन ना रह जाए इसमें। तो उसके लिए हम इसे स्लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे 2 से 3 सेकंड तक, हार्डली इसे हम भून लेंगे अच्छे से। और देखिए, दोनों चीज़ अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज टमाटर का पेस्ट, जो अभी हमने बना के तैयार करा है। तो इसे थोड़ा सा केयरफुली हम इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे इस टाइम पर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी इस टाइम पे अभी हम नमक ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नमक हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था। तो अगर आपको मतलब नमक कम लगता है तब आप चेक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा क्या करना है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम बढ़ती कर सकते हैं नमक की क्वान्टिटी को।
और अब हम इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करके इसे ढक के पकाएंगे ग्रेवी को, ताकि इसका जो भी कच्चापन हो हल्का फुल्का वो सारा का सारा इसका निकल जाए। तो ग्रेवी को हमने कम से कम 5 से 6 मिनट तक ढक के स्लो फ्लेम पे पकाना है। और अब देखिए, 5 मिनट के बाद में जब हमने ढक्कन हटाया तो ग्रेवी देखिए आप पहले से कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है और काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये पहले से, पहले थोड़ी सी पतली थी। तो देखिए आप, जो बटर चिकन की ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, बिल्कुल इसी तरीके की होती है जैसे कि हमारी है, ना ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी, तो मतलब ठीक होनी चाहिए उसकी ग्रेवी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के, मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करी है जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। तो देखिए इस तरीके से हमने क्रश करके इसमें ऐड कर दी है, तो काफ़ी मतलब अच्छी लगेगी। आप बहुत ज़्यादा ना डालें, इसमें 1 चम्मच ही इनफ रहेगा। और 1 पाउच मैंने इसमें डाला है टमाटो सॉस का, थोड़ा सा मिठास के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे हमने चीनी ऐड नहीं करनी है इस टाइम पर, अब हम यहाँ पे टमाटो सॉस ऐड करेंगे। तो जो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पाउच होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर 1 पाउच ऐड करा है इसमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस जो कि हमने पहले ही अलग करके रख लिया था बाउल में। तो देखें अब हम इसमें इस ग्रेवी में ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसे। और अब हम इसे वापस से ढक देंगे करीब 2-3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो चिकन है वो ग्रेवी में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है, और आप कलर भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है ग्रेवी का। और अब हम इसकी ग्रेवी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, या घर की मलाई है तो आप इसमें घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मलाई का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एकदम फ्रेश है ये, तो इससे जो ग्रेवी का टेस्ट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप मलाई ना हो या फ्रेश क्रीम भी ना हो तो आप इसमें 1 कप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने ना इसमें 1 मोटी सी स्लाइस बटर की और ऐड कर दी है, क्योंकि बटर चिकन हमने बनाया है यहाँ पे, तो बटर तो इसमें खूब सारा जाएगा ही जाएगा। तो बटर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से मतलब बढ़ा सकते हैं, और कम ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें टेस्ट जब ही आएगा जब आप इसमें खूब सारा सा बटर ऐड करेंगे। तो अब आई बारी इसमें फाइनल टच देने के लिए, क्योंकि हमने चिकन को ना तो फ्राई किया था और ना ही हमने इसको तंदूरी चिकन यूज़ किया है इसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक दालचीनी का टुकड़ा लेना है, उसको अच्छे से जला लेंगे हम, और बीच में एक कटोरी में रख देंगे, हल्का सा घी ऐड कर देंगे हम इसमें, और ढक्कन ढक देंगे और 10 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से बंद रखेंगे ढक्कन से, क्योंकि इसकी जो खुशबू होगी ना वो पूरे चिकन में सच में मतलब बस जाएगी अच्छे से। तो यकीन मानिएगा जो हमारा चिकन तैयार होगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और जब आप 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे तब जो इसमें से खुशबू आ रही होगी ना, तो आप यकीन मानिएगा जैसा कि आप मार्केट में, बाज़ार में, रेस्टोरेंट में खाते हैं, होटल में खाते हैं ये बटर चिकन, सेम आपको बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको इसका टेस्ट लगेगा। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। बस ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया है कि आज की जो रेसिपी है मैंने बहुत कम सामान में और बहुत इजी तरीके से बनाई है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड में, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी सारी नई रेसिपी और नए ब्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।